Hello friends, welcome to my YouTube channel Samarth Classes. Now we will come to next question, question number 3. In this question, we have proved that the following are irrational. First is 1 by root 2. Third question में हमें इन सब को irrational prove करके दिखाना है. तो first part दे रखा है 1 by root 2. हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे तो इसमें हम लेट कर लेते हैं 1 बाई रूट टू इज ए रैशनल नंबर. तो इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से सोल्व करेंगे. हमें इरेशनल दिखाना है इसको, तो हम पहले इसको लेट करके चल लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है. कोई भी रैशनल नंबर, आपको पता होगा कि कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है. तो अगर 1 बाई रूट टू एक रैशनल नंबर लेट किया है हमने, तो हम लेट कर लेंगे पी एंड क्यू आर इंटीजर. पी एंड क्यू कोई भी दो इंटीजर ले लिए हमने, बट क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा. तो हमने यहां भी क्या ले लिया, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो. देन वी कैन से दैट पी बाई क्यू इक्वल्स टू 1 बाई रूट टू, यानी 1 बाई रूट टू एक रैशनल नंबर है. तो हम इसको कह सकते हैं ये इक्वल होगा पी बाई क्यू के. इन नेक्स्ट स्टेप रूट टू इक्वल्स टू, यानी रूट टू को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट टू इक्वल टू पी डिवाइड में आ जाएगा और क्यू इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के. तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई पी हो जाएगा. तो अगर रूट टू इक्वल टू क्यू बाई पी के इक्वल है, तो यानी हमें क्या पता है कि पी और क्यू दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर है. क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है और पी और क्यू उसमें क्या होते हैं, दोनों कोप्राइम नंबर होते हैं. तो यहां भी पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर कोप्राइम. अगर पी एंड क्यू कोप्राइम नंबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि रूट टू क्या है, एक इरेशनल रूट टू एक रैशनल नंबर है. तो रूट टू रैशनल नंबर है तो कॉन्ट्राडिक्ट में क्या कहेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट टू इज ए इरेशनल नंबर. यानी पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है और रूट टू हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, क्योंकि ये क्यू बाई पी की फॉर्म में हो गया, तो ये रूट टू एक रैशनल नंबर आ गया. तो कॉन्ट्राडिक्ट में क्या हो गया कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, यानी रूट टू एक रैशनल नंबर है. तो अगर हम रूट टू को इरेशनल कहेंगे तो ये गलत होगा. तो इसको हम कह देंगे कि ये एक कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कि रूट टू एक इरेशनल है, क्योंकि यहां तो रूट टू रैशनल नंबर में दिखा रहा है. नाउ ये हमारे पास क्यों आई कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि हमने क्या अजप्स किया था कि अवर अजप्शन इज रॉन्ग. हमने अजप्शन लिया था कि रूट 1 बाई रूट टू एक रैशनल नंबर है, 1 बाई रूट टू रैशनल नंबर है. तो ये अजप्शन हमारी क्या थी, रॉन्ग थी. तो हम कह सकते हैं कि सो कंक्लूड दैट 1 बाई रूट टू इज इरेशनल नंबर, क्योंकि रूट टू एक इरेशनल नंबर कॉन्ट्राडिक्ट आई थी. किस वजह से, क्योंकि 1 बाई रूट टू एक रैशनल नंबर लिया था. तो इसकी वजह से हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्ट आई, तो हम कह देंगे कि हमारी अजप्शन थी वो रैशनल नंबर की 1 बाई रूट टू की, वो रॉन्ग थी. तो हम इस कंक्लूजन पर आए कि 1 बाई रूट टू एक इरेशनल नंबर होगा, यही एक सही अजप्शन होगी. तो हमने प्रूव कर दिया कि 1 बाई रूट टू, वी कंक्लूड दैट 1 बाई रूट टू इज इरेशनल नंबर.